हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद दीपेंद्र प्रताप सिंह। और आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर के आया हूँ टाइम एंड वर्क के पाइप एंड सिस्टर्न से। बहुत अच्छा सवाल है जिसमें पूछा जाता है कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए डिस्कस करते हैं इस सवाल को। जैसे एक बहुत छोटा सवाल लिया मैंने, कह रहे हैं कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स, एक नल ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। अनदर पाइप बी कैन फिल 40 liters per hour in the tank. On opening both pipes together, the tank will fill in 12 hours. Then find the capacity of the tank. ठीक है? एक नल ए किसी टैंक को 20 घंटे भरता है, दूसरा नल बी हर घंटे 40 लीटर पानी इस टैंक में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टैंक भर जाता है 12 घंटों में, तो बताना है कि टैंक कितने लीटर का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक नल ए है जो टैंक को भर लेता है 20 घंटों में, मतलब इसका टाइम हो गया। ठीक है, दूसरा नल बी एक घंटे में 40 लीटर पानी भरता है, मतलब ये इसकी क्या हो गई एफिशिएंसी कि एक घंटे में 40 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है, अब दोनों नलों को अगर हम एक साथ चला दें, मतलब ए प्लस बी, तो हमें लग जाएंगे कितने घंटे, 12 घंटे। तो ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया, हमने ले लिया एलसीएम। तो जो टैंक होगा वो मेरे हिसाब से या तो 20 घंटे भरना चाहिए या 12 घंटे में, तो हमने ताकि एक ऐसी वैल्यू ले ली जो आराम से इनसे कैंसिल हो जाए, कोई फ्रैक्शन ना आए, डेसिमल ना आए, इसीलिए हम इनका एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो हमने 20 और 12 का कॉमन मल्टीपल ले लिया, वो मुझे कितना मिल गया 60। तो मेरे हिसाब से टैंक कितने लीटर का है, 60 लीटर का है। ठीक है, अब कैपेसिटी निकालने के दो तरीके हैं। कैपेसिटी मतलब होता है टोटल वर्क, कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ मेरे लिए, टोटल वर्क। ठीक है, तो ये टाइम था है ना, ए और ए प्लस बी का टाइम था, इनका हमने एलसीएम लेकर क्या बना लिया, ये बना लिया मैंने टोटल वर्क की 60 यूनिट काम करना है या 60 लीटर का टैंक है। इसी को हम पाइप एंड सिस्टर्न में क्या बोल देते हैं, कैपेसिटी, मतलब कितने लीटर का टैंक है। ठीक है, तो अगर 60 लीटर ए 20 घंटे में भरता है तो एक घंटे में कितने लीटर पानी भरता होगा, 3 लीटर। तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई। और ए और बी को 60 लीटर भरने में 12 घंटे लगे, मतलब एक घंटे में कितने लीटर पानी भरते होंगे दोनों, 5 लीटर। ठीक है, तो अब कैपेसिटी निकालने के दो तरीके हैं। पहला देखो, पहला क्या तरीका है कि ये एक्चुअल एफिशिएंसी दे रखी है बी की, कि बी एक घंटे में 40 लीटर पानी भरता। अगर टैंक 60 लीटर का होता तो देखते हैं कि मेरे हिसाब से बी की एफिशिएंसी क्या है। ए एक घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और दोनों मिलकर एक घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं। इसमें से मुझे ए के बारे में पता है कि ए की एफिशिएंसी 3 है। अगर ए प्लस बी 5 है और ए 3 है तो बी कितना होना चाहिए मेरा, 2। मतलब बी की एफिशिएंसी मेरे हिसाब से कितनी है, 2 लीटर पर आर। ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी सवाल में कितनी है, 40 है, तो मैं लिखूंगा कि 2 यूनिट कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40/2, मतलब कितना आ गया, 20। तो हमने 60 यूनिट जो माना था, 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 × 20 = 1200 liters। ये क्या हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो पहला टाइप, पहले तरीके से हमने आंसर निकाल लिया 1200। दूसरा, हमें इस टोटल वर्क की वैल्यू बतानी है, हमें यह बताना है कि ये 60 यूनिट की वैल्यू क्या है। तो दूसरा तरीका क्या होगा इसका, यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं। दूसरा तरीका क्या होगा इसका कि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये 60 कैसे आएगा, जब हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ जाएगा, या फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल वर्क होता है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है ना। टोटल वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मोर एफिशिएंसी मोर वर्क है ना, मोर टाइम मोर वर्क, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर क्या होता है मेरा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमें निकालना है, इसी को हम यहां पर क्या कह रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ टैंक। यहां क्या कह रहे हैं इसको, कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, तो किसकी एफिशिएंसी रखी है सर हमें, बी की एफिशिएंसी रखी है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 40। तो बी का टाइम निकालना पड़ेगा मुझे। अब टाइम कैसे निकालूंगा, तो इसी से टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क कितना है, 60 जो हमने माना हुआ है, डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो अगर टैंक होता 60 लीटर का तो बी को लगते कितने घंटे, 30 घंटे। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहां से भी मेरा आंसर आ गया कि टैंक कितने लीटर का है, 1200 लीटर का। तो जो आपको समझ में आया वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता दूं कि हम क्यों एलसीएम से टाइम एंड वर्क के सवालों को सॉल्व कर पाते हैं।
आपके पास देखो एक्चुअल डेटा है ना, आपके पास एक्चुअल डेटा है कि 1200 लीटर का टैंक है, देखो एक्चुअल डेटा है अपने पास 1200 लीटर का टैंक है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 40 है। अगर आप यहां से भी बी का टाइम निकालोगे, देखो हमने एलसीएम से निकाला था टाइम तो भी कितने घंटे आ जाए 30 घंटे, अगर आप एक्चुअल डेटा से भी निकालोगे तब भी आंसर इतनी आएगा कि टैंक है 1200 लीटर का, टाइम बताना है बी का, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है बी की 40 है। तो अगर हम इस 40 1200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी बी को कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे। ठीक है, इसीलिए हम टाइम एंड वर्क के सवालों को एलसीएम से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि जो भी आंसर आएगा, अब हमें टोटल वर्क की अगर वैल्यू बतानी है तो जो टोटल वर्क होगा वो इसी 60 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, और आप देख लो जो आंसर आपका 1200 आया वो इसी 60 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो कैपेसिटी निकालने के दो तरीके हैं, या तो एफिशिएंसी कंपेयर करा दो या फिर टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, जिसकी एफिशिएंसी रखी है उसके टाइम से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।